नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 10 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र दोपहर बाद 3:39 तक रहेगा। आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योग विषकुंभ है दोपहर 12:48 तक। आगे प्रीति योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन दोपहर 12:48 के बाद में शुभ और योग कारक हो जाएगा, तो इसका सदुपयोग कीजिएगा। करण भव है दोपहर 2:04 तक, उसके बाद में बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:18 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन रोजाना इनको समझते हुए टाल देना चाहिए। आज का जो दुष्ट मुहूर्त है वो सुबह 5:22, 6:18, 6:28 और 7:14 पे निकल चुके हैं। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, तो जिन्हें भी पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, पहली कोशिश तो ये करें कि इस यात्रा को टाल दें, कल चले जाएं, लेकिन आज ही जाना जरूरी है तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत ही सरल है, पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये पूरी प्रक्रिया आप करें तो अपने इष्ट और भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनको अपने हृदय में माने और फिर इस दिशा की यात्रा करें, तो यात्रा शुभ मंगलमय, सुरक्षित और कार्य सिद्धि वाली हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:50, फिर दोपहर 12:20 से शाम 5:30 और फिर शाम 7:20 से 8:30। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये 3 कालखंड बहुत ज़्यादा शुभ और योगकारक है। आप कोई अच्छे एफर्ट्स करना चाहें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होने के रास्ते बनेंगे। वृष राशि वालों को मिलेगी ऑफिस में जबरदस्त एप्रिसिएशन और प्रमोशन के योग बनेंगे। मिथुन राशि वालों को भाग्य देगा नए अवसर जीवन में ऊंचाई पाने के और कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य में समस्याओं के साथ साथ ध्यान रखना है कि सींग वाले पशुओं से चोट ना लग जाए। आज सिंह राशि वाले अविवाहितों को योग्य रिश्ते मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को पैसे के लेन देन में रखनी है सावधानी, इसकी वजह से कोई बड़ा विवाद आज आपका संभव है। तुला राशि वालों को अपनी बुद्धि और निर्णय क्षमता से मिलेंगे आगे बढ़ने के नए अवसर। वृश्चिक राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। धनु राशि वाले जो लोग लेखन अध्यापन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। मकर राशि वाले अपने कुटुंब से प्राप्त करेंगे समर्थन। कुंभ राशि वालों को आज ध्यान रखना है कि कोई उन्हें धोखा ना दे जाए और मीन राशि वालों को किसी तरह की मेटल से संबंधित चीज़ों से दूरी बनानी, यानी अगर आप कोई चीज़ खरीदने वाले थे जो मेटल संबंधित है उनसे दूरी बनाए रखें, आज ऐसी खरीद ना करें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर चौपाई रामचरितमानस में आती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो इस प्रकार है कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। अब ये छोटी सी चौपाई है, इसको समझिए कितना गहरा अर्थ है इसका, कि हनुमान जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि प्रभु विपत्ति उसे ही आती है जिसका सुमिरन भजन बंद हो चुका हो। यहाँ पे महाप्रभु श्री हनुमान जी इस चौपाई में प्रसंगवश श्री राम जी को उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु सीता माँ का कुछ अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रतिपल आपका सुमिरन करती है। अब गूढ़ रूप में भगवान हनुमान जी यहाँ समग्र संसार को एक संदेश दे रहे हैं कि विपत्ति, दुख या दुर्भाग्य ये तब आता है जब सुमिरन भजन बंद हो जाता है। ये हनुमान जी का सद्गुरु रूप है। कहते हैं कि कृपा करो गुरु देव की नाई, ये वो हनुमान जी हैं जो गुरु के रूप में कृपा करते हैं।
तो ये ईश्वर को भी ज्ञान दे रहे हैं कि जब जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, कोई दुख आए, कोई दुर्भाग्य आए, कोई पीड़ा आए, तो फिर रुकना और देखना कि कहीं ना कहीं सुमिरन में कमी आई है। राम नाम बंद हो गया है, ध्यान भजन से मुंह मोड़े बैठे हैं, क्योंकि जो सुमिरन में दृढ़ता से अड़िग हो, जो राम नाम लेते हो, उनके जीवन में विपत्ति आ ही नहीं सकती। भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग सेम वहाम्यहम, यानी मैं मेरे भक्त का जीवन यापन का पूरा भार स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए सदा सदैव सर्वदा हरि स्मरण चलता रहना चाहिए, नाम जप होता रहना चाहिए, भजन चलते रहने चाहिए, ध्यान लगा रहना चाहिए और ईश्वर की सेवा होती रहे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे, जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर और अपनी समृद्धि की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप लोग घर में गूगल की धूप करें और भगवान हनुमान जी को पान और उड़द की मिठाई का भोग लगाएं और 11 पाठ बजरंग बाण का करें। साथ ही साथ शाम के वक्त 11 काले कंबल सोते हुए निर्धनों को चुपचाप ओढ़ाएं, या कोई वस्त्र जो आपका पुराना पहना हुआ हो वो उनको दे आएं, तो आपको पूरा वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा, सुख शांति से बीतेगा, ईश्वरीय कृपा की अनुभूति हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों, जिन जिन की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ा दे रहे हों, जिन राशियों पे ढैया या साढ़े साथी शुरू हुई हो, तो वो आज दो उपाय अवश्य करें जिससे शनि में जो पीड़ा आ रही है वो शांत होने लगेगी। करना सिर्फ ये है आपको कि दोपहर 1:24 से 2:31 के बीच में किसी भी मंदिर, धार्मिक स्थान या गौशाला या आश्रम के दक्षिण या पश्चिम भाग में 3 वृक्ष लगाने, नीम, पीपल और बरगद। इसके साथ ही शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों को आज शाम 6:30 के बाद में आलू बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पूड़ी का भोजन करवा दीजिए। ऐसा कम से कम 4 लोग भरपेट भोजन कर ले, इतना खाना आप अवश्य लेकर जाएं। आज से ही दर्शकों, आज से ही आपको शनि पीड़ा में शांति मिलेगी। ज़्यादा समस्या आपके साथ चल रही हो, शनि ज़्यादा पीड़ित कर रहे हो, तो 7 शनिवार इस कार्य को दोहरा लीजिए। ऐसे ही दर्शकों, जिनको आर्थिक समस्या आ रही हो या बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को आ रही हो, जो भी काम आप करते हैं कोई ना कोई उसमें अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, परेशानी आ जाती है, ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं, तो दोपहर 1:30 से 2:45 के बीच में कुछ चीज़ें आप इकट्ठी कर लें, जैसे जौ का आटा, बाजरे का आटा, देसी शक्कर जिसको गुड़िया खांड भी कहते हैं, और घी और काले तिल, ये सारी वस्तुएं लेकर और एक नारियल के गोले में, सूखा गोला हो जिसको गिट कहते हैं, उसमें भर के चीटियों के बिल के पास उसे गाड़ाएं और वहां खड़े होकर कहें हाथ जोड़ के मनी मन कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी है, अब आप मेरी आस पूरी कर देना। और फिर वहां खड़े खड़े शनि देव का ध्यान करें और मनी मन ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। दर्शकों, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या में कमी आने लगेगी, आपके सफलता के, आपकी उन्नति के रास्ते खुलने लगेंगे। और ऐसा अगर आपने 7 या 11 शनिवार बताए हुए समय पर कर लिया, तो आप देखिए कि कैसे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूं देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती है। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे बड़े ईगो इश्यूज बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है, तो आज शाम 8:30 से 9:15 के बीच में आप एक छोटा सा उपाय करें। करना ये है कि एक काला कपड़ा लें, उसमें 125 ग्राम काले उड़द लें, 8 कीले लें, 8 काले मिर्च लें, 1 बिजोरा नींबू लें और इन सब वस्तुओं को उसमें एक पोटली के रूप में बांध कर एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य पर से 7-7 बार उतारा कर लें। और फिर इस सामान को बहते हुए पानी में, अगर आपके पास नदी हो तो बहुत अच्छा है, नदी नहीं हो तो फिर नाले का पानी हो उसमें इसको डाल दें। बिना बोले, बिना पीछे देखे घर आए, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र या फिर 27 पाठ बजरंग बाण के पाठ करें। आपकी समस्या में आज ही से कमी आने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, आज एक छोटा सा काम अगर आप करते हैं, तो रोजगार में आ रही समस्या और किसी प्रकार के व्यापार शुरू करने में जो समस्या आ रही है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। आय के नए नए स्त्रोत्र भी बन सकते हैं और आपके आय के स्त्रोत्र में सुधार भी आ सकता है। करना सिर्फ ये है कि सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में सफ़ेद आग के पुष्प भगवान शिवजी पर अर्पित करें और लाल कनेर या लाल गुड़हल के पुष्प माता के विग्रह पर अर्पित करें और एक मेहंदी का पौधा उसी मंदिर में कहीं गमले में लगा दें
और फिर शाम को सूर्यास्त से 10 मिनट पहले मंदिर में जाकर शिव तांडव स्तोत्र के 11 पाठ कराएं। आपकी रोजगार की समस्या आज ही के दिन से सुलझने लगेगी, आगे से आगे रास्ते बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान बता रहे हैं और आपकी मनोकामना को भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आदित्य जी की, अलवर से। 26 मई सन 2000 का इनका जन्म है, 7:25 सुबह अलवर। प्रश्न किया है, विदेश में जॉब लग सकती है क्या और कब? देखिए आदित्य जी, आपके 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल चार ग्रह स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि आपकी नौकरी जन्म स्थान से बहुत दूर या कहें कि विदेश में लगेगी। आपके विदेश जाने के जो योग हैं वो इस 15 जून से अगस्त 2023 के बीच में बन रहे हैं, तो ये योग आपको पूरा आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। और अगर इस योग में आप चूक जाते हैं तो फिर जून 2025 के बाद ही आपके विदेश जाने के और बसने के योग बनेंगे। आपके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, उत्तम फल प्राप्त हो, जीवन में आप सफलता प्राप्त करें, आगे से आगे बढ़ते रहें, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप बुध, शुक्र और शनि के साथ साथ गुना जाप करवा लें और नित्य भगवान शिव जी पर शमी यानी कीकर की पत्तियां अर्पित करें, तो इससे बहुत ही अच्छा आनंद रहेगा और जीवन में आप सफलताएँ प्राप्त करेंगे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक दीपाली जैन जी की, इंदौर से। 12 मार्च 1999 का इनका जन्म है, दोपहर 12:34 इंदौर। प्रश्न किया है, फैशन डिजाइनिंग में करियर कब तक बनेगा? दीपाली जी, बहुत ही जबरदस्त राजयोग है आपकी जन्म पत्रिका में। उच्च का शुक्र है आपके दशम भाव में गुरु और बुध के साथ, और ये शुक्र आपके नवमांश कुंडली में भी उच्च का है, जो कि साफ साफ दर्शा रहा है कि फैशन, मॉडलिंग, कॉस्मेटिक्स इस तरह के कामों में आपको बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलनी शुरू होगी जुलाई सन 2024 से, लेकिन मन के मुताबिक जो आपको एक प्लानिंग करके आप चल रही हैं कि उस लेवल पे पहुंचना है, वो सफलता आपको मार्च 2028 के बाद ही होगी और आपको तब धन, यश और सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और ज्ञान चर्चा सत्संग में जो हमने समझा कि हनुमान जी ने कितना बड़ा संदेश दिया है कि अपने जीवन में सुमिरन भजन चलता रहे तो परेशानियाँ नहीं आएगी, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को सुखी, समृद्ध, ईश्वर में एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ओरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें, किन छोटे छोटे प्रयासों को करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और डिवाइन गाइडेंस प्राप्त करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 6, तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 10 जून 2023, और आज की जो तारीख है 10, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपको तो पता ही है कि हम शून्य को यहां पर कैरी नहीं करते हैं, बल्कि नंबर 1 को हम प्रेफर करेंगे। और नंबर 1 इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सन यानी कि सूर्य, एंड सूर्य इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जितना ज्यादा पावरफुल है तो उतनी ही ज्यादा पावर वो 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों को देने वाले हैं। और उस पावर से क्या इफेक्ट आने वाला है आज हम सभी की जिंदगी में, आइए आज की रीडिंग में हम जानते हैं। मूलांक 1 के लिए हमें माँ भगवती आज के दिन यानी कि 10 जून 2023 को क्या गाइड कर रही हैं कि आज के दिन मूलांक 1 के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना है और क्या बेहतरीन उनकी जिंदगी में होने जा रहा है। तो माँ भगवती मूलांक 1 के लिए हमें गाइड कर रही हैं, इनर विजडम का कार्ड है
मूलांक एक के जातकों को कहा जा रहा है क्योंकि आज की जो तारीख है वो है नंबर एक, जिनके स्वामी है सूर्य। और मूलांक एक की हम बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का दिव्य प्रकाश, सूर्य की चेतना आज आपके साथ है, तो वो इंटेलिजेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके भीतर है, जो आपको बाय बर्थ मिली है। जब आपने इस नक्षत्र में इस तारीख को जब जन्म लिया तो स्वाभाविक सी बात है वो पावर ऑलमोस्ट आपके भीतर ही है। करना क्या है, आज आपको उसे पहचानना है। आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आपके ऑफिस की दौड़ धूप की हम बात करें, किसी प्रोजेक्ट की बात करें, किसी कार्य की बात करें, या कहीं वित्तीय संबंधी मामलों की बात करें, आपको क्या कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको दूसरों पर आश्रित नहीं होना है। जो भी कोई निर्णय आपको लेने हैं लाइफ में, उसके लिए आज के दिन विशेष तौर पर किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो विजडम आपके पास है। क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, सोचना विचारना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी के भी दबाव में आज कोई निर्णय आप ना लें। जितना ज्यादा अपने आप को शांत रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक दो के लिए हमको कहा जा रहा है ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी माँ का कार्ड है भाई। लक्ष्मी माँ की कृपा आज मूलांक दो के जातकों पर बरसती हुई दिखाई दे रही है। माँ की कृपा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आज फाइनेंशियल गेन होने वाला है। आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर आप नौकरी पेशा हैं, जहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर पाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं, या फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपको इंसेंटिव मिल सकते हैं, आपको बोनस मिल सकता है, आपसे खुश होकर आपको कोई पुरस्कार दिया जा सकता है। कुल मिला के आज का दिन जो है वो वेल्थ को गेन करने का है। अब ये वेल्थ गेन किसी भी प्रकार से आपको हो सकती है, साथ ही साथ अगर कोई आपका अटका हुआ धन है पूर्व का तो वो भी आज जो है वो रिलीज हो सकता है। सो बी ओपन टू रिसीव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपको प्राप्त होता है छोटा सा हिस्सा निकाल दें ब्रह्मांड को धन्यवाद देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक तीन के लिए हमको कहा जा रहा है, फ्रेया का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना ज्यादा बोल्ड आप रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ बोल्ड का जो तात्पर्य है किसी से जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको अपने विचारों के अंदर अपने भीतर आज आपको करेज लेकर आना है। इस बोल्डनेस का अर्थ है कि कोई आपको दबा रहा हो, रोक रहा हो, अगर आप कोई चीज़ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में ही सही अगर किसी प्रकार का कंपटीशन है तो वहाँ पर आपको बुलिंग करके हो सकता है दबाया जा रहा हो, या आप अपने आप को ये सोचते हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो डिवाइन आज आपको क्या कह रहे हैं, माँ भगवती कह रही हैं कि आज के दिन जितना अधिक आप बोल्ड रहेंगे, कोई अगर आपको ऐसी कोई बात करता है जो आपको लगता है कि आपको आपके लिए ठीक नहीं है, अनसर्विंग है, तो बड़े ही प्यार से उस विषय को ना कहने की आदत डालें। कुल मिला के आज के दिन आपको किसी भी ऐसे विषय को एंटरटेन नहीं करना है, ना किसी व्यक्ति को, ना ही किसी इवेंट को जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है, कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं मूलांक चार की जो ऊर्जा है वो सूर्य के साथ बहुत अच्छी बैलेंसिंग में है। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी अंतःकरण की प्रेरणा पे काम करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो, सडनली आपको रियलाइज हुआ कि ये काम करना ठीक नहीं है, तो फिर अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें। हो सकता है कि वास्तविकता में वो व्यक्ति आपके लिए ठीक ना हो। तो कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको गाइड होंगी आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के पाथ पे, आपकी लाइफ को लेकर, हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, आपके किसी कामकाज को लेकर, या धन संबंधी मामलों में उधार देने लेने को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो कुछ आज आपकी अंतः प्रेरणा आपको गाइड करती है आज आपको उसे फॉलो करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें हमारी माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, माँ यमानिया आपको कह रही हैं कि आज के दिन इमोशनली आप बहुत ज्यादा जो है बहुत
डाउन अप फील कर सकते हैं, आपको कुल मिला के मिक्स फीलिंग आज हो सकती है, रोना भी आ सकता है, कभी कभी खुशी में रोना आ सकता है, आज इस तरह की आज आप महसूस करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कहते हैं एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेस करने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिल पाएगी इमोशंस के अलावा, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके करियर को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर हो सकती है, या जो कुछ आपने सोचा हो कि काश मेरी जिंदगी में ऐसा हो और वो अचानक से आज आपकी लाइफ में आ जाए। ये भी हो सकता है कि सडनली मूलांक पांच के जातकों को कोई व्यक्ति प्रपोज कर दे शादी के लिए या प्रेम के लिए। ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाए या जिस इंटरव्यू को आपने दिया हो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कुल मिला के आज का दिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का है, उसे ग्रैब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक छह के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक छह के लिए हमको कहा जा रहा है एरीन का कार्ड है, पीस। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर है, आपके परिवार को लेकर, आपके काम को लेकर, आपको लग रहा है कि कैसे होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, कैसे सब कुछ चलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। डिवाइन ने सब कुछ प्लान किया हुआ है, आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को निकाल दीजिए, सब कुछ पीसफुली हो जाएगा। इतना ज़्यादा घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, अप डाउन की स्थिति चल रही है, हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपको कोई समझ नहीं पा रहा होगा, आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, बट इट्स ओके, इट्स टाइम, समय समय की बात है। आज आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल भी परेशान न हुई है, बल्कि एक बहुत अच्छा पीसफुल टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं मूलांक सात के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक सात के लिए हमको कहा जा रहा है गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के रिस्क को ले रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपके रिस्क लेने से कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इमेज के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े या आपके परिवार के ऊपर उसका इम्पैक्ट आए, तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, बिकॉज आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सपोर्टेड हैं, आप सुरक्षित भी हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ ध्यान आराधना साधना करते हैं, आपके गुरुदेव हों, चाहे आपके इष्ट देव हों, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, आपको फुल सपोर्ट कर रही हैं, विशेष तौर पर आपके एंसेस्टर्स, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू, तो आपकी सहायता हो रही है। तो ऐसे में रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हैं, जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं बेधड़क आप आगे बढ़ सकते हैं, उस कार्य को करें। बस थोड़ा सा क्या है कि कागजों को एक बार दोबारा से देख लें, जब भी कागजी कोई भी काम करें तो उसको एक बार रीचेक कर लें। आइए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि मूलांक आठ के जो जातक हैं, आज उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर तबीयत ठीक नहीं है या थोड़ा भी डाउन फील हो रहा हो कुछ दिनों से, तो आज हीलिंग का दिन है, आज बेहतरी का दिन है, तो कुल मिला के आज आपको कुछ बेहतर फील होगा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में खर्च हो सकता है, मेडिकल खर्चा आज आपका हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का। बट हाँ, सेहत जो है वो नुकसान नहीं करेगी, हीलिंग होगी आपकी। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई काम करेंगे, अगर उसमें कोई अटकाव की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी धीरे धीरे जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक नौ के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 10 जून 2023 के लिए। और मूलांक नौ के लिए हमको कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप लोगों पर आश्रित ना रहें, अपने कार्य को खुद से पूर्ण करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आज आपको लोगों से नहीं रखनी है, अपने कामों को आपको लगता है कि एज अगर आप टीम काम कर रहे हैं तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर उस चीज़ में भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप काम करें। इन केस अगर कोई व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा पाया तो उसका इम्पैक्ट आपकी पीस पर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी सुख शांति पर नहीं पड़ना चाहिए।
आज के दिन आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को जो प्यार और स्नेह देते हैं हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।